Hello, Vachil. Let's read the question. A gas for which gamma equals to 1.5 is suddenly compressed to 1/4 of the initial volume. Then the ratio of the final to the initial pressure is okay. So gas जिसके लिए गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5, उसको हमने सडनली कंप्रेस किया, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है ये, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं वी मानूं तो फाइनल वॉल्यूम आपको कितनी दे रखी है, 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम होगी, यानी कि वी बाय फोर. हमें निकालना है कि रेशियो फाइनल टू द इनिशियल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर, इसकी हमें ये रेशियो फाइंड आउट करनी है. अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारी इक्वेशन की पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ पी आई वी आई गामा वुड बी इक्वल्स टू पी एफ वी एफ गामा, राइट. अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी एफ बाई पी आई वुड बी इक्वल्स टू वी आई बाई वी एफ टू द पावर गामा, ठीक है. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, वी आई की वैल्यू क्या है वी, वी एफ की वैल्यू वी, वी बाई फोर, ठीक है, ये एफ है, ठीक है, टू द पावर गामा. अब देखो ये आ जाएगा फोर, ऊपर चला जाएगा फोर टू द पावर गामा की वैल्यू क्या है 1.5. अब देखो 1.5 को मैं लिख सकती हूँ 3/2, राइट. तो एक तरह से ये हो जाएगा फोर टू द पावर 3/2. इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो फोर टू द पावर हाफ की पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये 3 × 1/2 3/2 ही आएगा, राइट. और फोर की पावर हाफ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होता है 2, ठीक है. तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8. तो इसकी रेशियो क्या आ गई आपकी 8/1, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं ये हो गया 8:1. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.